हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट टू स्टार्ट करें। पार्ट वन में हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और पार्ट टू में जो हमें 18 से लेकर 28 तक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। खासियत ये है कि हम जो ऑप्शन में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन में ये पूछा गया, जो फंक्शन हमें दे रखा है इसका हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन। आपको दिख रहा है, देखिए ये इंटीग्रेशन कैसा है, ये एक द्विघात समीकरण है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन करना होगा। और सेकंड क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही है, ये कि ये लिमिट ऑफ सम से करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम अभी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो 18 क्वेश्चन का पहला वाला है पार्ट वन, वो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी ए के प्लेस पे एक्स है, और ये 2ab का टर्म होता है, जो भी एक्स का टर्म होता है वो 2ab का टर्म होता है। तो 2ab के प्लेस पे हमारा -6x है और a के प्लेस पे हमारे पास क्या है, x है, रख देंगे तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब क्या करना होता है, इस वाले टर्म में b स्क्वायर को एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि b नेगेटिव का है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना होता है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर चूँकि लीनियर है तो इसे x ही बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले के रूप में बनकर तैयार हो गया है इंटीग्रेशन। और आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, 1/ tan इनवर्स x / बस x की जगह पर क्या है, x माइनस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो पार्ट एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन आसान था, जो अगर आप सेकेंड वाला लिमिट ऑफ सम करेंगे ना, ये थोड़ा लेंथी है, आसान तो है लेकिन लेंथी है। तो आइस मान लेते हैं 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, फंक्शन एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ए हमारे पास 2 है और 3 हमारे पास बी है, और एन एच स्क्वायर टू क्या होता है, बी माइनस ए, यानी एन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2 1 आ जाएगी। फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एच फंक्शन ए प्लस फंक्शन ए प्लस एच, ऐसे ही चलता जाता है, लास्ट में क्या होता है, फंक्शन ए प्लस एन माइनस 1 एच होते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, 2 है, तो फंक्शन 2 क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। फंक्शन ए प्लस एच यानी कि 2 + h, एक्स की जगह पर 2 + h रखेंगे यहाँ, तो खोल देंगे इसको, ये आ जाएगा 4 + h² + 4h, ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे ही लास्ट में ये आ जाएंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को, इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। जब आप 1 में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस तो बाहर है, 4 पहला टर्म, ये फिर ये दूसरा टर्म, ये तीसरा है, ये फिर लास्ट का। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है, तो सारे 4 को मैंने एक साथ लिख दिया। फिर किस किस का टर्म लिखा है मैंने, 4h 8h और ऐसे ही लास्ट में क्या, 4n - h, इसको भी एक साथ लिखा। फिर यहाँ से एच स्क्वायर 4h² ऐसे ही लास्ट में क्या है, n - 1h², ये आ जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई, देखिए यहाँ 4 नहीं है, ये हो गया। अब देखिए 4 कितनी बार है, n बार है, तो 4n हो गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 कॉमन निकालेंगे 4h आ जाएगा, 4h कॉमन निकाल, अंदर क्या बचा 1, इधर से क्या बचा 2, इधर से 3, कहाँ तक, n - 1 तक। इधर से कॉमन क्या है, h स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही n - 1 का स्क्वायर तक। अब देखिए ये तो 4n है, ठीक है, ये 4h है, ये समेशन ऑफ n टर्म्स है, और जहाँ n के प्लेस पे क्या है, n - 1। तो फार्मूला क्या होता है, जब n के प्लेस पे n - 1 होता है तो समेशन n का n - 1/2 होता है, प्लस ये क्या है, समेशन ऑफ n स्क्वायर, और n के प्लेस पे क्या है, n - 1। तो ये फार्मूला होता है n - 1 2n - 1/6। अभी इस h से अंदर गुणा कर देंगे तो हमें nh के पेयर बनाने होते हैं, तो यहाँ nh आ जाएगा, ये n और h है, और इस h से अंदर गुणा हो जाएगी, ये हो गया। फिर यहाँ 2h² ऑलरेडी है, एच स्क्वायर है ना, nh इसके साथ एक बनाओ, इसके साथ ले लो, और इस h को इसके साथ ले लो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, nh के प्लेस पे आपको 1 रखना है, और जहाँ h सिंगल बच रहा है वहाँ क्या रख दो, 0। देखिए nh के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 1। तो जब आप ऐसा करेंगे, h की जगह 0 रखेंगे और nh की जगह पर 1, और सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 19/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 19, प्रूफ करना है हमें इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, इसमें 4 मार्क्स में आ रखा है क्वेश्चन नंबर 19, दिस इसको ये प्रूफ करना है।
ठीक करते हैं। हमने आई लड़ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, चूँकि 0 to 8 है तो प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे। क्या होता है, एक्स पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस एक्स होता है, ये कर दिया। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, और कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होता है, चूँकि स्क्वायर है ऊपर तो ये प्लस का ही हो जाना है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और फिर अलग अलग भी ले लेंगे। इस पाई को हम बाहर ले लेंगे। देखिए ये कुछ नहीं है तो क्या है, जो हमने गिवन इंटीग्रल माना था आई, ये वही है आई। माइनस के तरह क्या हो जाएगा, प्लस के आई, 2i, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए क्या करना है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स ऊपर मौजूद है, तो कॉस एक्स को मैं कुछ लेट कर लूँगा। कुछ क्या लेट किया, टी लेट किया, तो ये डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स dx की जगह पर dt। तो जब x की जगह पर 0 रखोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1, और जब x की जगह पर पाई रखोगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ये हमने वैल्यूज पुट अप कर दी गिवन इंटीग्रल में, पिछले वाले में। यहाँ पर रखने के बाद -1 से 1 है तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपर लिमिट ऊपर होनी चाहिए। चेंज करेंगे तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये चीज़ आ गई। तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी, क्योंकि ए के प्लस पे 1 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 के लिए पाई बाई 4 माइनस, देखो टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2π/4, 2 से 2 कैंसिल, पाई तो ऑलरेडी बाहर था, है ना, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 4, जो कि आपको प्रूफ करनी थी। ये भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला है कि ये और ये तीन जो वेक्टर हमें दे रखे हैं, ये आपस में संरेख हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास पी क्यू आर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको निकालना, मैंने पी क्यू आर को मैंने लिख दिया था ए बी सी लिख दिया था, ठीक है, गलती से थोड़ा ए बी सी के रूप में लिख दिया था मैंने, आप पी क्यू आर के लिखना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ए बी वेक्टर निकालना होता है। ए बी वेक्टर मतलब ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका कोएफिशिएंट x2 y2 z2 होता है। ए बी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। तो यहाँ से इसका जो कोएफिशिएंट है उसे हम x1 x2 बोलते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 - 2 + 2 हो जाएगा, 2 - 3 - 5, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, इसका फिर क्या करते हैं, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो √14 आ जाएगा। ऐसे ही अब बी सी का भी निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो आपको 6i - 2j - 4k मिलेगा, और मॉडुलस निकालेंगे तो 2√14 मिलेगा। ऐसे ही ए सी निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये मिलेगा। अब देखिए ए सी का मॉडुलस ए बी प्लस बी सी के मॉडुलस के बराबर आ गया, ठीक, क्योंकि इसका 2√14 था और इसका √14 था, तो 3√14 इसको 3√14 दोनों तरफ बराबर है, यानी कि ये कोलिनियर है, यानी कि ये संरेख है। ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 प्रोबेबिलिटी पर, और ये जो क्वेश्चन है वो बर्नौली जो ट्रायल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पी परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल एक ही अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर सही दे पा देगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बर्नौली ट्रायल्स बेस्ड है। ठीक, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 3 है, तो सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। ठीक, और रॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3। इसको मैंने सही के लिए पी माना, रॉन्ग के लिए क्यू माना। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अनुमान लगाकर 4 या अधिक, तो मतलब मिनिमम कम से कम कितना है, 4 है, 4 भी हो सकता है या फिर उससे अधिक 5 भी हो सकते हैं। तो हमें P4 और P5 निकालना है। ठीक, P4 का मतलब क्या है, P4 का मतलब है कि 4 सही हो, यानी कि 5C4 5 चुनने में से हम 5 में से 4 चुन सकते हैं, और सही कितने हैं, P4, मतलब गलत कितने हो जाएंगे, Q1 प्लस, फिर क्या आ जाएगा, 5C5 सही कितने हैं, 5, गलत कितने हैं, 0। अब ये P और ये Q हैं, पहले पुट अप कर दो, 5C4 की वैल्यू 5 होती है, P की वैल्यू
और क्यू क्यू वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 11/243। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आना निश्चित होता है, तो इस बार भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि निम्नांकित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, ESI वाला मेथड हमें यूज़ करना है। तो आपको मेथड पता ही है, बस मैंने ऑपरेशन लगा दिए हैं, मैं बोलता रहूँगा तो वीडियो लंबी बन जानी है। आपको क्या करना होता है, ESI लगाना होता है और इधर I बनाना होता है, दोनों ऑपरेशन साथ चलाने होते हैं। आप रो में चलाओगे तो रो में चलाना है, कॉलम में चलाओगे तो कॉलम में चलाना है। इधर आपको I बनाना है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और इधर अपने आप आपका क्या बन जाता है, इनवर्स, A इनवर्स बन जाता है। तो ये ऑपरेशन करने होंगे इस क्वेश्चन में, जो मैंने लिख के कर दिए, आप खुद देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप खुद देख लेना, और मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ठीक। ये आपका ए इनवर्स आ गया है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 23 में, कह रहे हैं एक शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y=x²+7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, बिंदु 3.7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर हेलीकॉप्टर का गोरी मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और यहाँ पर कोई सैनिक खड़ा है और बंदूक लेके उसको इस हेलीकॉप्टर का गोली मारनी है, तो ये डिस्टेंस उसे कवर करनी है उसकी गोली को, और जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसका जो कर्व हमें दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, y=x²+7। तो देखिए इस जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इसकी हमें पोजीशन वेक्टर नहीं पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस कितना चल रहा है, एक्स चल रहा है, तो वाई क्या दे रखा है हमें, वाई डिस्टेंस x²+7, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, x²+7 हो जाएगा। अब हमें ये गोली निकालनी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एच ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एच क्या हो जाएगा, x1-x2² + y1-y2² तो ये चीज़ आ जाएगी। अब अंडरवुड हमें दिक्कत करेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसे हम फंक्शन x कंसिडर कर रहे हैं अंदर के मटेरियल को, x-3² + x⁴। लेकिन निकालना मुझे यही चीज़ है, ठीक है, जो बिहेव ये करेगा वो बिहेव ये भी कर्व करेगा, ठीक। अब हम आते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता ना, वो निकालना पड़ेगा तभी यहाँ पर डिस्टेंस निकल पाएगा। f'x करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए f'x को क्या पुट करते हैं, 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये वाला जो फैक्टर है ये हमें इमेजिनरी रूट देगा, b²-4 से जब निकालोगे ना तो नेगेटिव रूट्स देगा, नेगेटिव रूट्स हमें लेना ही नहीं है, हमें तो रियल रूट्स चाहिए। तो x-1 को आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे, नेगेटिव बोल रहा हूँ, इमेजिनरी रूट्स देगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी मुझे, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें इमेजिनरी वर्क लेना नहीं है, हमें लेना है रियल, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। कि हम इस पर चॉइस पे क्वेश्चन दे रखा था 23 के ऑप्शन में, कि परवल है y²-4x और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण क्या करने हैं, ज्ञात करने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कर्व भी दे रखा है और पॉइंट भी दे रखा है। तो हमें सबसे पहले अभिलंब निकालने या जो भी निकालें, हमें सबसे पहले चाहिए प्रवणता, ठीक है, हमें चाहिए होता स्लोप। तो कर्व है तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx स्लोप होता है हमारा, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देना दोनों साइड, तो 2y का dy/dx, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको इधर क्या हो जाएगा, 4a, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2a/y हो जाएगा। तो m को हम क्या बोलते हैं, dy/dx। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या है, x के प्लेस पे हम 80² रख सकते हैं, y के प्लेस पे 280, तो y के प्लेस पे हम 280 रख देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -k/1/m, तो यहाँ से -k/1/m को रखेंगे आप तो -k t आ जाएगा, रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा ना ये जब आप रखोगे यहाँ, तो हमें नॉर्मल प्रवणता और जो ढाल अभिलंब की प्रवणता दोनों मिल चुकी हैं। रेखा का समीकरण क्या होता है, y-y1 m x - x1, ये y1 है पॉइंट्स, ये m है, ये x, ये x1 है, दे रखा है ना ये x,
वाई। अब सॉल्व कर लोगे आपको ये मिल जाएगा। अभिलंब का क्या होता है, वाई माइनस वाई वन कैपिटल एम ये वाला, और एक्स माइनस एक्स वन, इसको भी सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाना है। तो ये भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोला है जो आपका पैरा बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स और वाई इक्वल टू एम एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स का ग्राफ है और ये वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, क्योंकि एक्स के प्लस पर जीरो पुट करोगे तो वाई भी जीरो आ जाएगा, तो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। ठीक, अब हमें इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये घिरा हुआ क्षेत्र है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसे निकलेगा, इस कर्व में से जब हम इस सफ़ेद पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये काला काला वाला घिरा हुआ बच जाएगा। तो उसके लिए मुझे ये बी पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों कर्व का। उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर वन और सेकंड को क्या करना होगा, सॉल्व। ओरिजिन से जा रहा है, ये तो पॉइंट हमें पता ही है। ठीक, तो क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो। कर दिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर ए अपॉन एम स्क्वायर। एक्स की वैल्यू उठाकर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए, ये एक्स का पॉइंट मिला, ये वाई का पॉइंट, तो बी का पॉइंट हमें मिल चुका है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में। देखो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, एरिया ओ सी बी डी, अभी मैंने बोला था काला काला भाग, वो कब मिलेगा, जब इस कर्व बड़े इस कर्व में से इस कर्व को माइनस करेंगे। ये कर्व कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाला, और ये कर्व क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स वाला। तो वाई की वैल्यू रखनी है पहले वाले कर्व में से, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, और इधर से वाई की वैल्यू क्या है, एम एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से। लिमिट आप एक्स में ले रहे हो तभी फार्मूला वाई डी एक्स का लग रहा है। देखिए लिमिट हमने एक्स में लिया है तभी हमने यहाँ वाई वन डी एक्स लिया है। अगर लिमिट हमने वाई में लेता तो यहाँ पर एक्स वन डी वाई होता। और जीरो से कहाँ तक जाएगा एक्स की लिमिट, फोर ए अपॉन एम स्क्वायर तक, दोनों में। ये वाई वन की वैल्यू रखी है, ये वाई टू की वैल्यू, और बाकी इंटीग्रेशन कर दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में ये बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस ये होमोजेनियस है, इसको आपको प्रूफ करना है और फिर हल करना है। ठीक, चलिए करते हैं। सबसे पहले होमोजेनियस प्रूफ करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इस इक्वेशन से हमने निकाल दिया हल करके, डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा। अब एक्स के प्लस पे आपको लैम्डा एक्स रखना है, वाई के प्लस पे भी आपको लैम्डा वाई रखना है इस इक्वेशन में, और जितने डिग्री की लैम्डा आएगी उतनी डिग्री का आपका होमोजेनियस इक्वेशन होगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, यानी कि लैम्डा किस ऑर्डर का है, टू ऑर्डर का है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। अब जब होमोजेनियस इक्वेशन होता है तो वाई के प्लस पे हम क्या पुट करते हैं, वी एक्स, फिर सॉल्व करते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाएंगे, पहला गुणे दूसरे का प्लस प्लस दूसरा गुणे पहले का प्लस। अब ये इन वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर ये, और वाई के प्लस पे क्या, वी एक्स रख दिया। रखने के बाद थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, वो हट जाएंगे, बचेगा क्या, वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी, ये बचेगा। इसको आप प्लस का वी इधर आगे माइनस का वी हो जाएगा, जब थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू वी, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब एक्स वाले टर्म एक तरफ ले लो और वाई वाले वी वाले टर्म एक तरफ ले लो, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको मानने से इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, यानी कि लॉग में आएगा, तो लॉग वी स्क्वायर प्लस वन, इधर से लॉग एक्स, और सारे लॉग में है तो इसको भी लॉग सी, ये लॉग चीज़, ये चीज़ आ गई, लॉग एम प्लस एन, लॉग एम एन होता है, लॉग से लॉग हट जाएगा, ये माइनस है तो इधर इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक, और वी की प्लस पे हम क्या रख देंगे, वाई अपॉन एक्स, और सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें और ऑप्शन में भी दे रखा था एक क्वेश्चन, उसको भी हम करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए ये चीज़ है, इस एक्स से मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो ये चीज़ आ गई।
ये किस रूप में है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में है, तो जहाँ पी की वैल्यू 2/x है और क्यू की वैल्यू एक्स है। तो हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पावर पी डी एक्स, 1/x के लॉग एक्स या 2x की पावर में आ जाता है, तो यहाँ से क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक बार लॉग एक्स का एक्स स्क्वायर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर है, रख दिया। क्यू क्या है? एक्स, क्यू हमारा एक्स है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा वाई की वैल्यू। सी अपॉन एक्स स्क्वायर को हम नया कॉन्स्टेंट बोल देंगे ए। ठीक, अब इसे ए को फाइंड करना है। कंडीशन में दे रखा है, एक्स बराबर 1 दे रखा था, वाई बराबर 0 दे रखा था। यहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/4। वाई के प्लस पे 0 रखना है और एक्स के प्लस पे 1, और ए की वैल्यू फिर ऊपर उठाकर यहाँ रख देनी है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे और इससे को मिलाने वाली रेखा को जेड एक्स तल को काटती हैं, और इसका चॉइस भी दे रखा है दूसरा ऑप्शन में। चलो वो तो बाद में पढ़ते, पहले इसको कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनानी है। ठीक, हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो हैं ये है आपका एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इनको मिलाने वाली आपको पहले लाइन की इक्वेशन बनानी है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन होता है फॉर्मूला। अब सारे वैल्यूज को पुट अप कर दो, ये हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, ये रखा। ठीक, ये चीज़ आ गई, किसके इक्वल मानेगा? लैम्डा। ये लैम्डा के इक्वल है, ये लैम्डा के इक्वल है, और ये भी लैम्डा के इक्वल है, मान लिया। जब ये लैम्डा के इक्वल है सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी, जब ये लैम्डा के इक्वल है सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, जेड ये मिल जाएगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है आपको ये मिल गए। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये वाई जेड तल पर है, वाई जेड पर है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका? जीरो है, जीरो रख दोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस के 5/2। अब लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख के सॉल्व कर दो, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गई, और इसका जो ऑप्शनल पार्ट है वो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही था, इसका क्या है? ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, माइनस को और वन को इधर ले आना है, इसमें लगेगा फॉर्मूला ए प्लस लैम्डा बी, और ये इसके तल से होता हुआ जा रहा है, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, उस वाले केस से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन में ये बोला, एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है, यह व्यक्ति बताता है कि चित्र प्रकट हुआ है, वास्तव में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे। तो अब दो घटना हमारे पास, दो घटना है, कितनी? एक सत्य बोलने की घटना है और एक झूठ बोलने की, असत्य बोलने की। तो सत्य बोलने की घटना हमारे पास कितनी है? 4/5 दे रखी है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5-4 विच इज़ 1/5 आ जाएगा। देखो, चित प्रकट होने की घटना कितनी है? 1/2 होगी, हैटल करते हैं ना, और पटकी भी कितनी हो जाएगी? दूसरी घटना करस्पॉन्डिंग 1/2। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है वास्तव में चित प्रकट होने की घटना क्या है, तो पी इवन अपॉन ई निकालना है। बेस फॉर्मूला लगा देंगे, पी इवन गुणा पी ई अपॉन इवन, फिर क्या हो जाएगा? पी इवन पी ई अपॉन इवन प्लस पी ई टू पी ई अपॉन ई टू। सब वैल्यूज हमें पता ही हैं, इन वैल्यूज़ को इनपुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसी पर प्रोबेबिलिटी बेस का एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, और चॉइस में वो भी हम देख लेते हैं। कह रहे हैं, पासों की एक जोड़ी को 3 बार उछालने पर प्राप्त द्विकों की संख्या की प्रायिकता बंटन बनाना है, प्रायिकता बंटन बनाना है। ठीक, तो जब आप 2 बार पासा फेंकोगे द्विक क्या आएंगे? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी 6 ही है। ठीक,
तीन बार उछाला जा रहा था तो जो वेरिएबल्स आएंगे हमारे पास तीन के लिए करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स क्या होंगे एक्स के 0, 1, 2, 3 तक, इसके लिए हमें क्या बनाना है, प्रायिकता बंटन बनानी है। अब देखो एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 6 है, कुल परिणाम 36 है, 1/6 है, और ना होने के लिए एक में से घटा दोगे ये आ जाएगा 5/6। अब हम बनाते हैं जो हमें बंटन बनाना है ना उसके लिए पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक भी द्विक नहीं है, यानी कि 0 है तो 3 से 0, एक भी द्विक नहीं है तो यानी कि पी 0 और ठीक और क्यू की पावर 3 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू किसी की पावर 0 तो 1 हो तो मत लिखो, क्यू की पावर 3 है और क्यू की वैल्यू 5/6 हम रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और 3 से 0 की वैल्यू तो 3 होती है। फिर एक्स बराबर 1 है यानी कि एक द्विक 3c1 पी की पावर 1 और क्यू की पावर क्या हो जाएगा 2, पी क्यू की वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट स्टेप में अब एक्स बराबर 2 पर चॉइस करना है, ऐसे ही 3c2 पी की पावर 2 q0 पी क्यू की वैल्यू रखो सॉल्व करो ये आ जाएगा। एक्स बराबर 3 में 3 यानी कि 3c3 पी की पावर 3 अब क्यू की पावर 0 पी क्यू की वैल्यू रख दो, 3c3 की वैल्यू 1 होती है ये आ जाएगा। अब बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 0, 1, 2, 3 रखा, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिला था, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिला था, ये मिला, ये मिला। अब आंसर आपका सही है या गलत क्या पता करने क्या करना, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और जोड़ने पर अगर 1 आ रहा है तो सही है, अगर 1 नहीं आ रहा तो आपने गलत कर दिया है कहीं पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर बार ही पूछा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग पर क्वेश्चन ये हमारे पास दे रखा है प्रॉब्लम, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसका न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा इन दो रिस्ट्रिक्शन पर। तो ये दो प्रॉब्लम है, इस पर हमें न्यूनतम और मैक्सिमम मान निकालना है। तो इक्वेशन 1 लेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो x/60 हो जाएगा, यहाँ से y/20 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a + y/b = 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 1, 0 और 0, b, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे मुझे, 60, 0, 0, 20। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है, x + y = 10, 10 से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। तो पहला वाला ये आ जाएगा, दूसरा वाला ये आ जाएगा, ये हमारा एस पॉइंट, आर पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, ठीक। तो ये पॉइंट तो आ रहा है, अब सॉल्यूशन रीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, टी पॉइंट पर, चलो अब वो अभी देखेंगे हम। देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास ये था, दूसरा इक्वेशन ये था, ओरिजिन पर चेक करते हैं ना हम, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, वाई की जगह पर 0 रखेंगे, तो 0 छोटा होता है साइड से, सही हो रहा है तो सही हो रहा है, तो ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन आएगा तो नीचे की हो रहा है, ठीक, कॉमन रीजन देखना होता है हमें, और ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये ओरिजिन से बाहर की ओर जाएगा, ओरिजिन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ओरिजिन से बाहर की ओर, तो ये ऊपर हो जा रहा है, तो दोनों का कॉमन रीजन कहाँ है, ये दोनों का कॉमन रीजन ये हिस्सा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। सो फिजिबल रीजन इज TSRPQ, ये पूरा हमारा फिजिबल रीजन है, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। अब ये सारे कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता है, तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन, तो इन दोनों कर्व को सॉल्व कर दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दो सॉल्व, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, बिलो परमिति से सॉल्व कर दिया, वाई के वैल्यू 25, वाई के वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस एक्स के वैल्यू -15 आ जाएगी, ये चीज़ हो गई। अब जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हैं फिजिबल रीजन का, टी पी क्यू आर एस, सब वैल्यूज पे हमें ये फाइंड करना है, 3x + 9y रखें, एक्स के जगह पर एक बार -15 रखना है, वाई के जगह पर 25 रख दिया, 180 आया, इस पॉइंट पर रखा 180 आया, इस पॉइंट पर भी 180 आया, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू हमारा 180 है, और मिनिमम वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 30। तो ये हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है,
आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें।